अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन और पार्ट टू लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टूवर्ड सैफुल मलूक फ्रॉम नरान। इन दिस वीडियो हम नरान से सैफुल मलूक जा रहे हैं इस वीडियो में। गाइस, नरान से सैफुल मलूक का रास्ता जीप का ट्रैक है। ये बहुत ख़राब रास्ता है जिस पे हम बाइक लेके आ गए हैं। आज हैं आपको बाकी वीडियो भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। गाइस, बाइक बहुत ज़्यादा ज़ोर ले रही थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तो हमें इसका साइड टप्पा खोल के एयर फिल्टर निकालना पड़ा जिससे एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे ट्रैक मज़ीद गंदा हो जाता है और मेरा दोस्त बाइक से उतर के पैदल ट्रैकिंग करना शुरू कर देता है और मैं बाइक को बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों से गुजारते हुए सैफुल मलूक की तरफ बढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में तो आपको इतना महसूस नहीं हो रहा, मगर ये लगातार चढ़ाई और ऊपर से पत्थर है जिसकी वजह से बाइक बिल्कुल ज़ोर नहीं पकड़ रही। हालांकि हमने इसका एयर फिल्टर भी निकाला हुआ है जिससे एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। हम ग्लेशियर के ऊपर से गुजरेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि एक जगह आएगी कि हम ग्लेशियर के ऊपर से गुजरेंगे और यही लेफ़्ट साइड पे हमारे इस टाइम ग्लेशियर है, आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइक बिल्कुल ज़ोर नहीं पकड़ रही, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और टोटल चढ़ाई है जिसकी वजह से बाइक बिल्कुल ज़ोर नहीं पकड़ रही और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से आगे मैं बाइक को अकेला लेके जाता हूँ सैफुल मलूक तक और मेरा दोस्त हाइकिंग करता हुआ सैफुल मलूक तक यहाँ से आगे जाएगा। ट्रैकिंग पे ही है अभी तक तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सिर्फ हम ही नहीं पागल, और भी लोग पागल हैं जो इस रोड गंदे रोड पे बाइक लेके आ गए हैं। था फ्रेंड्स कि हमें बिल्कुल इलम नहीं था कि रोड इतना ख़राब होगा। आज से 4 से 5 साल पहले जब हम इधर आए थे तो यहाँ मेहरान तक गाड़ी इजीली आ जाती थी सैफुल मलूक तक, तो वी हैव नो आइडिया गाइस कि रोड इतना ज़्यादा ख़राब होगा। इस वीडियो में मेरा दोस्त ट्रैक करता हुआ ग्लेशियर को क्रॉस कर रहा है। ये इसके नीचे भी बर्फ़ है जो कीचड़ की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वो बच गया और मैं गिरते हुए बचा।
फ्रेंड्स, अब इन्हीं ग्लेशियर से मैं भी बाइक गुजारूंगा। ये नज़र आ रहा है आपको वीडियो में, बहुत स्लिपरी, बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर बाइक स्लिप होती हुई, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। इधर हम थोड़ा सा रस कर रहे हैं आगे हाइकिंग करने का। राणा जी, हेलो राणा जी। हाइकिंग कर रहे हैं रास्ते में, थोड़ा सा रश लिया हुआ टूवर्ड्स झील सैफल मलूक। वी रीच्ड एट सैफल मलूक। 3 घंटे की हाइकिंग के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। सैफल मलूक हम पहुँच चुके हैं। इधर मैं आपके साथ सैफल मलूक की कुछ पिक्चर और व्यू शेयर करूंगा जो हमने क्लिक किए हैं। फ्रेंड, बहुत अच्छा मौसम और बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं सैफल मलूक के। इसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा और हम इस टाइम सैफल मलूक से वापसी पर हैं। रोड बहुत ही ख़राब है लेकिन राणा ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया हुआ है इसको। बहुत ही एडवेंचरस हमारा ये टूर चल रहा है। फ्रेंड्स, नारान टू सैफल मलूक व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक दिस, कमेंट इट और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।